गुड फुल्ली मैड। जी हाँ दोस्तों, तो भाई मैं तो एक चीज़ बोलूँगा कि वो लोगों को शर्म करनी चाहिए जो फेक न्यूज़ बनाते हैं। अभी एक और फेक न्यूज़ चलने लगा था कि राधे OTT पे आएगी, सलमान खान नहीं चाहते थिएटर में आएगी, OTT पे आएगी। तो भाई इसके जो मेकर्स और प्रोड्यूसर लोग हैं, ये लोग ने फाइनली ये मूवी को पक्का बता दिया कि मूवी रिलीज में आएगी, वो भी थिएट्रिकल बोले तो थिएटर्स में ही आएगी। दोस्तों भाई आप लोगों को बता दूं कि अब क्लियर हो चुका है, ईद 2021 में ये मूवी आएगी तो थिएटर में, क्योंकि इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है और आज फाइनली इसके मेकर्स ने क्लियर कर ली है बात को। तो भाई जितने भी ये फेकर्स हैं जो फैला रहे थे न्यूज़ को कि OTT पे आएगी, तो भाई तुम लोगों को ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कहाँ से आता है आप लोगों के दिमाग में ये? अरे शुरू से अनाउंसमेंट हुआ कि ईद में आएगी, थिएटर्स में आएगी। सलमान खान की मूवी भाई थिएटर के लिए बनती है और वो थिएटर में ही आएगी, भले ही वो मूवी 2 साल बाद आए या 1.5 साल बाद आए या 6 महीने के बाद आए, वो सलमान खान की मूवी है दोस्तों, समझे ना। OTT पे बंदा मूवी रिलीज करेगा ही नहीं, उनको पता है कि अगर सलमान खान ही इकलौता स्टार है जो थिएटर में ऑडियंस को अपनी ओर खींच सकता है, समझे ना दोस्तों। तो ये लोग जो न्यूज़ फैला रहे हो ना आप लोग कि OTT पे अब तुम लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई राधे को लेके। अब इसका टीजर और ट्रेलर कब आता है देखते हैं, सलमान खान अपने बर्थडे पे कौन सा गिफ्ट देते हैं हम लोगों को। तो भाई मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ये जो OTT पे जो अफवाह फैला रहे थे ना, वो लोगों को बोलती बंद हो चुकी है, क्योंकि वो लोग सोच रहे होंगे अरे यार मेरा न्यूज़ फेक कैसे बन गया। तो भाई सोच समझ के बोला करो यार, अभी तक उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया, जब उन्होंने खुद बोला ही नहीं कि OTT पे मूवी जा रही है, तो आप लोग कहाँ से बना देते हो दोस्त। तो भाई ये राधे का कम डाउन था, अब राधे ईद में आएगी और सलमान खान कामयाब होंगे थिएटर में पब्लिक जुटाने के लिए, और ईद में फाड़ देगी मूवी। अगर माहौल अगर रियल में सही हो गया ना भाई पहले के जैसा 2019 के जैसा, तो ये सलमान खान की बोले तो हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनने वाली मूवी। तो बस भाई इतना ही, फेक न्यूज वाले सावधान। तो बस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। ओके बाय।